आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। अभी आपको चिंता होती है कि एडमिशन की फ़ीस लगती है, एनुअल चार्ज लगते हैं, काफ़ी दिनों से एक जद्दोजहद चल रही थी। यदि आप चाहते हैं आपकी एडमिशन फ़ीस भी ना लगे, आपका एनुअल चार्जेस भी ना लगे, आपका बच्चा विदेश जाए, हर एक स्ट्रीम, चाहे मैं आर्ट की बात करूँ, चाहे मैं कॉमर्स की बात करूँ, चाहे मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल की बात करूँ, तो एक स्थान है मिनरवा पब्लिक स्कूल। आप यहाँ आ सकते हैं और पूरा जो फीस का डिस्काउंट है वो आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। 22 मई और 5 जून को होने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट में मैडम आपको बताएंगे क्या खास मिलने वाला है मिनरवा पब्लिक स्कूल जींद रोड असंध में। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच सर। आई एम द डिप्टी प्रिंसिपल ऑफ मिनरवा पब्लिक स्कूल। आपको आज बताने जा रही हूँ कि 22 तारीख को और 5 तारीख को, 22 मई और 5 जून को हम लोग स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो बच्चा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में 90% से ऊपर स्कोर करता है उसको हम 50% तक डिस्काउंट देने वाले हैं, और जो स्टूडेंट 80% से अबव स्कोर करता है उसको हम 30% तक डिस्काउंट देने वाले हैं फीस में, और इसके साथ साथ 70% अबव वाले को 20% का डिस्काउंट देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ ये स्कॉलरशिप ही नहीं, हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए जिनके मैट्रिक में अच्छा स्कोर होता है तो उन लोगों के लिए हमारे पास सरप्राइजिंग गिफ्ट भी हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने प्लान कर रखी है अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, यदि आपके आते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में 70% तो 20% फीस का डिस्काउंट, यदि आपके आते हैं 80% तो 30% का डिस्काउंट, यदि आपके आते हैं 90% तो 50% का डिस्काउंट। साथ में मिलेगा आपको एक टैबलेट और आप जाएंगे विदेश। यहाँ आपको अलग अलग तरीके से तैयारियाँ करवाई जाती है बच्चों को। यस सर। सिर्फ हमारा मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स का नहीं, इवन कि हम ह्यूमैनिटी पे भी फोकस करते हैं। जिन बच्चों के सपने हैं अब्रॉड जाने के लिए, उनके लिए हम लोगों के ट्रेनिंग सेशन रहते हैं, इंग्लिश स्पोकन रहता है, आइल्स क्लासेस रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हमारा, और साथ में क्लैट है, CET का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, चाहे JEE मेंस और एडवांस की अगर हम बात करते हैं, सभी के लिए हमारे परफेक्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट स्टाफ मेंबर हम लोगों ने रखे हुए हैं ऑल ओवर एरिया से। तो हमारा फोकस रहता है कि सिर्फ हमारी अकेडमी स्टडी ही ना हो, फर्दर स्टडी के साथ भी हमारा साथ में फोकस रहता है, ताकि बच्चे स्कूलिंग के बाद जब वो कॉलेज में जाएं, कहीं के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी और इंस्टीट्यूट में उनको जाना ही ना पड़े, उनको एक ही जगह पर एक ही फ्लोर के नीचे उनको सब मिल जाए। आईलेट्स की तैयारी के लिए आप हज़ारों रुपया जो है गंवाते हैं। ये स्कूल है मिनरवा पब्लिक स्कूल जींद रोड असंध में, नंबर आपको नीचे डिस्प्ले पर दिया गया है, और मैं फिर आपको बता दूं आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल्स के लिए 22 मई और 5 जून को होने वाले हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, और भारी डिस्काउंट जो फीस पर आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ कोई एडमिशन चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, आईलेट्स की तैयारी करवाई जाती है। तो इस मौके को आप चुके नहीं और पहुँचे मिनरवा पब्लिक स्कूल जींद रोड असंध जी। इसके साथ साथ ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ एकेडमिक स्टडी करवानी है, हमारी करियर ओरिएंटेशन पे भी फोकस रहता है कि बच्चे को कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए और कौन से स्ट्रीम में जाके बच्चा क्या स्कोर कर सकता है और अपने सपनों को कैसे पूरे कर सकता है। बच्चे ने मेडिकल ले लिया, उसको ये नहीं पता होता कि शायद उसको लगता है कि मेडिकल का स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, उसके साथ साथ क्या क्या कोर्सेज होते हैं, पूरी करियर ओरिएंटेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने और अपने साथियों के भविष्य के लिए पहुँचे मिनरवा पब्लिक स्कूल जींद रोड असंध में। काफ़ी कुछ आपको बताया है और बहुत अच्छे बेहतर ऑफर आपको एजुकेशन के लिए मिलने वाले हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, मौजूदा शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है। हमारे सामने जो वाइस प्रिंसिपल मिनरवा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं वो बैठी हुई हैं, और राजेश शर्मा बैठे हुए हैं, ये खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैम, सेशन शुरू हो चुका है, मौजूदा शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, इस बार नया क्या लेकर आ रहा है मिनरवा पब्लिक स्कूल? या आई एम द डिप्टी प्रिंसिपल ऑफ मिनरवा पब्लिक स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का स्वागत करती हूँ, मैनेजमेंट की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और अपनी तरफ से, कि आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया। आप सभी देखने वाले दर्शकों को ये जान के खुशी होगी कि हम बहुत कुछ ऐसे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसको हम अभी आपके आगे रिवील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर राजेश शर्मा, जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं,
उनको मैं पहले अपने माइक देना चाहूँगी, जिनके साथ हमारे टाई अप्स हैं, जो एजु एक्सपर्ट के जो एजुकेशन को एक सिस्टम में बांध के रखते हैं, एजु एक्सपर्ट कंसल्टेंसी चंडीगढ़ से हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा बताइए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी मैम, जैसे कि स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, एग्ज़ाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, और आने वाले दिनों में CBSE बोर्ड के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो ऐसे समय में सभी जो 9 to 12th के स्कूल्स हैं या सेक्शंस हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा करें जिससे स्टूडेंट्स उनके स्कूल में एडमिट हों। मिनर्वा पब्लिक स्कूल असंध, जैसे पहले भी हमने ये बात बताई हुई है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं एफोर्डेबल फीस में। इस बार हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज़ की है जो 22 तारीख और 5 जून को है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट का हेतु यह है कि जो स्टूडेंट्स रिमोटली लोकेटेड सेमी अर्बन लोकेलिटी सबर्ब्स या गांवों से हैं, मेरिटोरियस हैं, टैलेंट वैसे रूरल काफ़ी है अपने पूरे इस रीजन में, उन बच्चों के लिए एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जाए जिससे विद्यालय और स्टूडेंट्स इन दोनों का एक अच्छा तालमेल बने। ऐसे में हमने ये डिसाइड किया था कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है हमारे स्कूल में, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की भी एक विंग है, जैसे कि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं मेडिकल से नॉन मेडिकल के, CA, CPT, CA फाउंडेशन के, IIM के एग्ज़ाम्स हैं, NDA के एग्ज़ाम्स हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए स्कूल में हमारे फ्री कोचिंग होती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के साथ। अभिभावक जो इन्हीं एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, स्कूल की भी फ़ीस देते हैं, तो पहले से ही मिनर्वा पब्लिक स्कूल का ये हेतु रहा है कि वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जिससे गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, शहर के जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो अगर उनको बोझिल लग रहा है या उसको उठा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम हेल्प करें। तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन विंग हमारे स्कूल में सेटअप हो गई है और हम इन बच्चों का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। मेरिटोरियस बच्चों से हमारा ये मतलब है, जो मैम बहुत विस्तृत जानकारी देंगे कि किस परसेंटेज पे किस तरह से उन बच्चों को हम इंटेक करने वाले हैं। हमारा हेतु है कि 22 तारीख मई को और 5 जून को जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, उस एग्ज़ामिनेशन में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और स्कूल में आके हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को एक बार आजमाएं। दूसरा यह है कि ये एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे बच्चे 12th के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे अपने करियर को बनाते हैं। पहले से ही हमारे यहाँ पे IELTS की फ्री कोचिंग चल रही है, जो हमने पिछले बार भी सभी बच्चों को बताया था, डिक्लेयर किया था, और इस बार हम एक और नया चीज़ कर रहे हैं जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी फेयर। फॉरेन यूनिवर्सिटी फेयर से मतलब है कि हम बाहर के यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपस में बुलाएंगे, वो जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे उनको वो जानकारी देंगे, और फॉरेन यूनिवर्सिटी इतने सारे हैं जो फ्री स्कॉलरशिप देके उन बच्चों को अपने करियर फॉरेन के अंदर सेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है जो शायद जून के महीने में ही हम कंडक्ट करें। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चों की एक अच्छी रिजल्ट्स आए, हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप दें, और स्कॉलरशिप में क्या क्या है वो राजरानी मैम, जो हमारे डेप्यूटी प्रिंसिपल हैं मिनर्वा पब्लिक स्कूल के, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने बताया कि हमारा फोकस रहता है क्वालिटी एजुकेशन का, हमेशा हमें रहता है कि बच्चों का टैलेंट सर्च किया जाए और उसको आगे लेके आया जाए। बहुत सारे बच्चों के सपने होते हैं बट वो कहीं ना कहीं मनी के कारण रह जाते हैं, उनको रूरल एरिया में वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जो हम लोग आज सोच रहे हैं कि उन बच्चों को वो सब मिल जाए जो उनके सपने हैं, उनको सपना उनके सपने पूरे करने के लिए, और वो जो चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, जैसे कि सर ने बताया कि हमारा 22 मई को और 5 जून को हम 2 स्कॉलरशिप कंडक्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों के HBSE के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो 22 को वो कर सकते हैं, उसमें पार्ट ले सकते हैं, और जिनके CBSE के एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 10th के, वो बच्चे 5 जून को पार्टिसिपेट ले सकते हैं इसमें। तो उसका हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, उनके रिजल्ट पे डिपेंड रहेगा। हमारा जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा वो इस प्रकार होगा, जो जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में
90% से ऊपर स्कोर करते हैं तो उनको फीस में ओवरऑल 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर बच्चे 80% से ऊपर स्कोर करते हैं तो उनको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर बच्चे 70% तक स्कोर करते हैं तो उनको 20% तक डिस्काउंट किया जाएगा फीस पे। तो ये तो रहेगा हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का क्राइटेरिया। उसके साथ भी कुछ है हमारे एक्सटेंशन में, जैसे कि अगर बच्चे मेरिटोरियस है, अगर बच्चे के 10th क्लास में अच्छा स्कोर लेते हैं, 90% से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको हम लोग लैपटॉप और टैबलेट देने वाले हैं। और इसके साथ और भी हमारे बड़े सरप्राइजिंग प्राइजेस साथ में हैं, वो बच्चे की एडमिशन के टाइम बच्चों को बता दिए जाएंगे। और जिस क्वालिटी बेस्ड एडमिशन होने जा रही है, सपोज बच्चा मैट्रिक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया बट स्कॉलरशिप की वो अच्छी तैयारी करता है, तो साथ में उसको हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का कंसेशन भी दे रहे हैं फीस के ऊपर। आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। हो सकता है बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कर पाया बट हम आप उनको सेकेंड चांस दे रहे हैं कि आप अपना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में अपने अच्छा स्कोर लेके अपनी फीस में डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सुरेश गोयल, चेयरमैन विनरभा पब्लिक स्कूल। मैनेजमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया है विद जो गांव में विलेज में बच्चे रहते हैं उनकी बेटर एजुकेशन के लिए क्या किया जाए। मैनेजमेंट ने एक फैसला किया है, जो बच्चे हमारे यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे अगर उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हमने उनके लिए टैब भी रखी है, फीस में भी 50% तक डिस्काउंट किया है, हम बच्चों के बेटर भविष्य के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। एक बार स्कूल में आए, आप स्कॉलरशिप का टेस्ट दें, हमारा एम बहुत कुछ है, कम पैसे में ज़्यादा बेटर एजुकेशन दी जाए, ये गांव में हम सुविधा देने जा रहे हैं। नवीन सर, आईलेट्स की भी तैयारी करवाई जाती है बच्चों को यहाँ पर? सर डेफिनेटली मैं आपसे बताना चाहूँगा, हमारे बच्चे आजकल अबॉर्ड बहुत जा रहे हैं, उसी के लिए हमने एक प्रोग्राम स्कूल के अंदर रखा है, सिक्स ऑनवर्ड्स से लेके प्लस टू तक के जो भी बच्चे रहेंगे उनको फ्री आईलेट्स क्लासेस यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसकी कोचिंग क्लासेस यहाँ पे चलती है। इसके अलावा मैनी मोर कोचिंग के जो सिस्टम रहते हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फिर बच्चे को कहीं भी बाहर भागने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट दें, अपना एडमिशन कराएं और ये जो कॉम्पिटिशन के जितने भी टेस्ट होते हैं वो यहाँ से फ्री में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो बच्चों को अच्छे विषय की कामना करते हुए उनको यही कहना चाहूँगा, एक बार 22 को वो टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आएँ और आपको अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त करें। थैंक यू।